हेलो सर। तो देखें जेई का फेब मार्च दोनों अटेम्प्ट हो चुके हैं और सर अब टाइम दो अटेम्प्ट जा चुके हैं और दो अटेम्प्ट आपके पास बाकी हैं और टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 3 महीना। अब उसमें क्या कुछ नया कर सकते हैं, बीच मजेदार में है और अगले जो 3 महीने हैं उसकी प्लानिंग जो होगी वो बहुत कुछ डिसाइड करेगी। सर इस समय दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे राइट नाउ, एक जिनका मींस अच्छा गया होगा काफी, तो पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई उन सभी बच्चों को और आपको तो बिना किसी कंफ्यूजन के एडवांस के लिए लगना ही चाहिए, लगना शुरू भी हो गया होगा, फोन आ ही रहे हैं, मैसेजेस आ ही रहे हैं बच्चों के। और दूसरे तरह के बच्चे होंगे जो थोड़ा बॉर्डर लाइन पर हैं या जिनका रिलेटिवली उतना अच्छा नहीं गया, वो चाहते हैं कि एडवांस और मेंस दोनों के लिए हम फोकस करें। तो सर कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब ये दोनों ऑब्जेक्टिव अगर किसी तरह से पूरे हो जाए, कुछ ऐसी प्लानिंग हो अगले 3 महीने की दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए तो मजा आ जाए, तो हो सकता है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। और आइए देखिए क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो हम लोग आपके लिए जो लेके आए बेटा, असंभव काम को संभव करने का तरीका, बेजोड़ तरीका, टाइम सेवर कोर्स पार्ट 2 जैसा कि आपके साथ हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, बट ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, आपको भी पूरी अपनी तरफ से कोशिश करनी है। टाइम सेवर पार्ट 1 क्या था, कैसा था, खूबियां आप देख चुके हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स आप देख चुके हैं ऑलरेडी। आपको मैं बताऊं, दो दिन पहले एक फादर थे, उनका कॉल आया था, उनके बेटे के सितंबर में 70% थे और 96.8 बिल्कुल मारा है। आशीष जिसके पिछले वर्ष 120 मार्क्स थे और डे बाय डे हमारा तो लिस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमने पहले जो लास्ट रिजल्ट आता था 99.35 लास्ट था हमारा, 10.88 हो चुके हैं, रिजल्ट्स कंपाइल हो रहे हैं बच्चे में, सभी ऑथेंटिक रिजल्ट हैं, सभी बच्चे जो हमारे पास बिल्कुल जेन्युइन ओरिजिनल रिजल्ट्स हैं और कहीं नहीं पड़े हुए बच्चे। इट वाज हमेशा ही बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता सर, टेस्ट दिया बिल्कुल, सिर्फ टेस्ट दिया था बिल्कुल, हमने ऐसा कोई रिजल्ट छापा, हमारे बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट है, हम खेलते नहीं भावना से बिल्कुल से पता है। और इसीलिए हम लोग लेकर आए टाइम सेवर कोर्स पार्ट 2, इसके दो मेन फीचर्स तो आपके सामने हैं। पहला कोर्स ड्यूरेशन 3 मंथ्स एंड कोर्स अवेलेबिलिटी दोनों मोड एज वेल एज ऑनलाइन मोड। जो बच्चे कोटा आना चाहते हैं तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है उन सभी का। और जो वही रह के कि नहीं सर अब मैं ट्यून्ड अप हो चुका हूँ इतने टाइम में, अब मैं मूव नहीं करना चाहता हूँ, वो बिल्कुल वहीं पर रह के हाँ वो वहाँ रह के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसा आपको उचित लगे, जैसा आपको समझ में आए वैसा आप कर सकते हैं। क्या क्या है इसमें, पर ये जो हम आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिनकी परसेंटाइल 91-92 उससे कम भी है उसमें भी है वो भी इसको जरूर देखें। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, पेशेंस रखें, आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और स्टार्ट करते हैं। चलिए तो द फर्स्ट बैच दैट वी आर टीएससी स्टार, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका परसेंटाइल अभी 98.5 से कम है। अच्छा तो मतलब बेसिकली ने टाइम सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसा हम शुरू में कह रहे थे बच्चे इस समय दो, और इसमें फोकस हमारा मेन प्लस एडवांस दोनों पर रहेगा, और एडवांस दोनों पर जो है फोकस रहेगा, ऑब्वियसली एडवांस पर भी अच्छा वेटेज रहेगा पर साथ के साथ मेंस भी लेकर चलेंगे क्योंकि हमें परसेंटाइल भी इंप्रूव करना है। क्राइटेरिया कि परसेंटाइल जिनका भी 98.5 से कम है उनको हम 99 परसेंटाइल तक उठा सके क्लासरूम प्लस ऑनलाइन। मेरे हिसाब से पर्पस का ये रह गया कि भाई जो स्टूडेंट 98.5 से नीचे है अब अगर वो बैलेंस नहीं बनाएगा तो उसके लिए बहुत नुकसान होगा, सिर्फ एडवांस पे फोकस करेगा तो भी उसका नुकसान हो सकता है। हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर बैलेंस बना के चलें। इसमें कई स्टूडेंट्स के डाउट होंगे सर मैं तो सिर्फ मेंस के लिए एलिजिबल हूं, तो उन स्टूडेंट्स के ऊपर भी यहां पर प्रॉपर फोकस होगा। हमने क्या बोला, हम प्रॉपर बैलेंस बनाने वाले हैं तो इसमें मेंस के लिए तो फायदा होगा ही होगा, प्लस जब आप समझो जैसे मान लो आपने अप्रैल अटेम्प्ट में आपने अच्छा स्कोर कर लिया, आपको एडवांस पे फोकस करना है तो सुना ना आप 1 महीना टाइम को पीछे खींच लोगे, वहीं से आपको एडवांस में लगना होगा। तो जो आपके स्टेप्स हम पहले कर चुके होंगे, जो जो चैप्टर्स हैं वो हम पूरा कवर कर चुके होंगे इस बैच के अंदर, और जो मेंस वाले हैं उनको तो ऑब्वियसली फायदा होने ही वाला है। ठीक, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो सर कवर होगा मेंस और एडवांस का सिलेबस विद एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। मतलब इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो भी टॉपिक या जो भी सिलेबस चल रहा है उसका प्रैक्टिस वहीं की वहीं प्रैक्टिस करा के आपको उस लेवल तक उठा लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, हमने डिस्कस भी की थी बिल्कुल, पहले एक दिन थ्योरी प्लस प्रैक्टिस और एक दिन का हम आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, क्या होगा आपको साथ में तो लगना ही होगा, चाहे आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। बिल्कुल ठीक है, आपको हम जो होमवर्क देंगे वो आपको करना होगा सर, ये रिजल्ट दिखा चुका है, हिस्ट्री दिखा चुकी है, जो हमने बोला वो बच्चों ने किया और रिजल्ट में रिफ्लेक्ट भी होगा। जो चीजें हमने बोली थी यही आएगा लगभग वैसा ही सर, मुझे लगता है लगभग वैसा ही आया, सब कुछ वैसा था। बट अब ईमानदारी से आपने फॉलो करा कि नहीं ये थोड़ा आपके ऊपर भी रहता है बेटा, तो उनको जरूर आप फॉलो करें, एडवाइस माने, क्योंकि एक अच्छे कोच से
अच्छी चीज कुछ भी नहीं हो सकती। एक कोच ही आपको सही डायरेक्ट राइट डायरेक्शन में लेके जाता है कि इन चीजों को फॉलो करो, इससे ही रिजल्ट आएगा। मतलब अगर आपको टारगेट अटेन करना है और आपके अंदर डेडिकेशन है, इससे बेटर आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, मेरी आपको गारंटी है। बिल्कुल सही बात। चलिए इसमें फोर टेस्ट उस ऊपर वाले सेशन में, और फी स्ट्रक्चर बात करें तो जो भी हमारे टाइम सर्वर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और जो भी हमारे डेली स्टडी कोर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ना ही ऑफलाइन मोड में ना ही ऑनलाइन मोड में हम कोई भी सिंगल पेनी लेने वाले हैं आपसे, जैसा आपसे वादा किया था हमने पहले। और कभी की तरह नहीं कि वादा कुछ कर दिया और उसके बाद कुछ कर दिया, हिडन चार्जेस दिखा रहे हैं सर ये करना, ठीक है जी, ऐसा नॉन स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि नहीं यार अभी तक काफी कुछ कमियां रह गई मेरे अंदर और अब मुझे E2's में जाना ही चाहिए और मुझे अपना रिजल्ट भी इम्प्रूव करना चाहिए, तो उनके लिए एक नॉमिनल फीस रखी गई बेटा, दैट इज ओनली 5,000 ऑनलाइन प्लस एडवांस, दोनों पूरा प्रॉपर कवर होगा 5,000 रुपीज। अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, अगर आप इससे ऊपर हो तो आपके लिए सरप्राइज है, सरप्राइज है। लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो और आप इसको क्रॉस करना चाहते हो तो ये आपके लिए फियर एक गारंटीड है कि इस कोर्स से आपको बहुत 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 हेल्प होगी। ये फीस दोनों मोड की है, मतलब क्लासरूम में फिजिकली हमारे साथ रैकअप समझना चाहते हैं तो भी यही फीस है, बिल्कुल सेम। और ऑनलाइन मोड में आप जहां है वहां तो भी आपको, अगर आप कोटा में रह रहे हैं, कोटा में आप कहीं भी पढ़े हो, अगर आप हमारे साथ रह के इंप्रूव करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट गारंटीड है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। और इट वाज एनरोल्ड स्टूडेंट ऑफ अदर ईयर लॉन्ग कोर्सेज, अगर वो भी चाहते हैं कि नहीं सर मान लो आपने लास्ट ईयर कोई कोर्स किया हुआ है उसकी वैलिडिटी तक चल रही है, या आपने कोई दूसरा लेट्स से 11th ईयर लॉन्ग लिया हुआ है, 12th ईयर लॉन्ग लिया, 13th ईयर लॉन्ग लिया हुआ है, कोई भी आपने रिकॉर्डेड कोर्स लिया हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं हम लोगों ने 50% डिस्काउंट रखा है, जो हमारे इन हाउस स्टूडेंट्स है तो वो भी इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, मात्र 2500 रुपए में। तो ये था हमारा पहला बैच जो है टीएससी स्टार्स, ठीक है। अब हमने हमारा अगला सरप्राइज रिवील करते हैं, दैट इज अवर टीएससी टॉपर्स। ये वो बच्चे हैं, ये उस कैटेगरी में हम जा रहे हैं जो दैट इज प्योरली अवर एडवांस बैच 98.5% प्लस 98.5% पहले तो हम मतलब बच्चों को ये जानना है कि इसमें क्या होगा। ऐसा सर ऐसा होता है कि देखो सिलेबस वाइज अगर अपन बात करें तो डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो एडवांस के लिए उसको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। द ओनली डिफरेंस इज कि एडवांस में जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े मल्टी लेयर्ड होते हैं, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो स्ट्रेट एक सिंगल कंसेप्ट पर होते हैं, एडवांस में आप समझ लें कि जैसे मेंस के तीन क्वेश्चन क्लब कर दिए मैंने तो वो एडवांस का एक क्वेश्चन बन गया। बिल्कुल, ये एक मोटा मोटा सा डिफरेंस है। तो मतलब बेसिकली हमें बच्चों को क्वेश्चंस को तोड़ना मरोड़ना सिखाना, ऐसा कर दे तो कैसा होगा, वो गहराई जो डीप डाइविंग, डीप डाइविंग घुसना पड़ेगा क्वेश्चन में। मेंस में अक्सर काफी क्वेश्चंस फॉर्मुला बेस्ड भी आ जाते हैं, एडवांस में ऑब्वियसली हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, उसके अपने फायदे भी अपने नुकसान भी, थोड़ा सा मार्जिन वहां हो जाता है, मेंस में उतना मार्जिन नहीं रहता। मेरे हिसाब से जब ये हम पढ़ेंगे चीजों में जाएंगे तो मेंस की तैयारी तो अपने आप साथ साथ चलेगी, तो इसमें इनहेरेंटली शामिल ही है, सब तो बता ही रहे। और भाई देखें, दूसरी बात यह है कि हमने दो बैच बनाने का बहुत बड़ा रीजन है, हम आपको एक और चीज बताते हैं, जैसे ही आप अप्रैल के अंदर 98.5 क्रॉस कर जाओ आपको खींच लेंगे, वो सुविधा है वो भी अभी, और जिसके काम आएंगे उसको धक्का मार देंगे, दोनों तरह की शफलिंग यहाँ पर चलेगी। हम कॉम्पिटिशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि उनको लगे हाँ यार सब एक ही बैच में चल रहा है, ठीक है। तो यू शुड हैव सम मोटिवेशन, तो वो मोटिवेशन आपके सामने है, अगर आप इस क्राइटेरिया को क्रॉस करते हैं तो हमारे साथ लग जाओ, इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिल सकता कुछ भी, ठीक है। वो शब्द सर ने लिखा उसको ध्यान से, फीचर्स की बात करें, रिग्रेस फैक्टर इसमें रहेगा, बहुत स्पेशल वर्ड मैंने यूज किया, ये रहा कंप्लीट एडवांस सिलेबस विद रिग्रेस फैक्टर, क्योंकि अगर आपको एडवांस में रैंक मारना है तो इसके बिना नहीं संभव है, बिल्कुल इसके बिना बिल्कुल संभव नहीं, आपको बहुत लगना पड़ेगा, आपको अपने आपको झोंकना पड़ेगा। इसके और क्या फीचर्स या फीस स्ट्रक्चर, फोर्टनाइट टेस्ट इसमें भी आपके लिए अवेलेबिलिटी है ना, फी स्ट्रक्चर इट इज फ्री फॉर E2's TSC एंड DSC स्टूडेंट्स, परसेंटाइल जिनका भी आप पैसे नहीं ले रहे, नहीं कोई पैसा नहीं ले रहे हो किसी चीज के, पैसे नहीं ले रहे नहीं चाहते, अभी इसमें अभी इसमें एक सरप्राइज और है MSF, दैट इज नॉन स्टूडेंट
नॉन इटूज स्टूडेंट्स, उनके लिए भी कोर्स हम फ्री लॉन्च कर रहे हैं। इफ परसेंटाइल इज ग्रेटर देन, नहीं हो पर मेरे 98.5 से प्लस है और मैं एडवांस के लिए तैयारी करना चाहता हूं, आप इंडिया में कहीं पर भी मैं ऑनलाइन मोड में भी फ्री ले सकता हूं। बिल्कुल, आप ऑफलाइन में भी ले सकते हो, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों में। आप ऑफलाइन आके डायरेक्टली इंटरेक्ट करके टीचर के साथ बैठ के पढ़ना चाहते हो तो भी आपके लिए ये टॉपर्स बैच फ्री है, अगर आपकी परसेंटाइल 98.5 से, वेदर यू आर इटू स्टूडेंट और नॉट। लोग तो उल्टा चार्ज करते हैं, आप तो उल्टा कर रहे हो, गजब हो गया भाई, गजब हो गया। क्या है वो, तो सही बात है। क्या क्या तो ये तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है यार, ये तो मतलब अदरवाइज तो वर्ल्ड चीज होगी। बिल्कुल, अदरवाइज 5,000 rupees फॉर ऑनलाइन ओनली। अगर आप इस क्राइटेरिया में मैच नहीं कर रहे हैं और आपको लगता नहीं ठीक है मेरे अंदर थोड़ी सी कमी थी बट मैं हूं तो एडवांस लायक, नहीं सर कभी कभी हो जाता है, अगर आप बोले थे फ्री देने, अब आपने पैसे ले लिए भाई। इशू क्या है, पैसे नहीं लिए। एक्चुअली क्या होता है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे को भी इसी में आना है। हमने बोला नहीं, हम जैसे मैं टीएससी वाले स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ, बोले सर मुझे भी इसमें आना है। भाई हमने आपको एक कोर्स दे दिया जो हमारे हिसाब से आपके लिए, आप अपने दिमाग से मत चलो, चल लिए चल के देख चुके हो ना तभी तो यहाँ, हमारे हिसाब से चले तो देख लो रिजल्ट्स आए, तो आगे भी हमारे हिसाब से चलो, क्राइटेरिया को मैच करो और ज्वाइन करो। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मानते कि नहीं सर मैं तो इसी कोर्स से पढ़ूंगा, तो हमारी तरफ से वो कोर्स तो फ्री दे ही दिया हमने, जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता चुके हैं। इसको एडिशनल लेने के लिए अगर कोई स्टूडेंट के 97.9% बोलता नहीं मैं तो एडवांस की तैयारी करूंगा, तो भाई ये वाला क्राइटेरिया आप अभी मैच नहीं करना है तो हम आपको नहीं दे सकते। इवन स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया मतलब 98.49 वालों को भी नहीं देंगे हम, कोई बातचीत होगी तो प्लीज हमारे पास आए भी नहीं, सब मेरे इतने 98.5 इंक्लूडिंग और उससे ग्रेटर पर ये रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदरवाइज ऑनलाइन मोड में जो उससे नीचे में अगर है तो सिर्फ ऑनलाइन है, हम ऑफलाइन नहीं दे सकते। ऑफलाइन तो बिल्कुल, आप ऑनलाइन मोड में 5,000 इट एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑफ द अदर ईयर लॉन्ग कोर्सेज, अगर वो भी उन्हें लगता है कि नहीं मुझे तो सर की बात नहीं मानना, मुझे तो चाहिए, तो उनके लिए भी पैसा पे करो अगले लो, और ये भी सिर्फ ऑनलाइन है, ऑफलाइन एंट्री है 98.5 खत्म। क्योंकि सर ऑफलाइन में उतना काम करना होगा बच्चे को, वो एक्चुअली ये जो किया है हमने, जो सोचा है वो आपके बेनिफिट के लिए ही है, क्योंकि वो उस तरह से फिर आपको मेहनत करनी होगी, वो तभी कर पाओगे जब आप क्राइटेरिया मैच करो। नहीं सर उसमें नुकसान भी होगा, नुकसान हो जाता है एक्चुअली सर, हमने अगर आप 98 या उससे नीचे हो तो अभी आप सेफ जोन में नहीं, हाँ, नहीं। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप 98 में हो तो आप ठीक है, आप हो कहीं ना कहीं आपको एनआईटी मिल जाएगी, और आप जो सोचते हो मेरे को उस एनआईटी में वो ब्रांच मिले और मैं एडवांस में अच्छा कर पाऊं, वो नहीं हो सकता। ये थोड़ी आपने सपना देखा था, जिसके लिए आपने मेहनत करी, जो आपका सपना है उसको अटेन करने के लिए अभी आपको और इनपुट देना पड़ेगा। सर बाकी है, बाकी है सीधी सी बात, कोई इशू नहीं, कोई वो नहीं है, इसमें सही बाकी है, घिसो और आगे पहुंचो। आप अप्रैल वाला अटेम्प्ट अच्छा करके वापस अपने आप को प्रूव करके और आगे जा सकते हो, वो दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, मतलब बिजनेस वाले में रहने की घिसते रहो, मतलब दिमाग से घिसो, किसने ना समझ गया, मतलब और मेहनत करो और आगे पहुंचो, ये क्राइटेरिया फुलफिल करो, हम आपको जरूर जरूर एडवांस बैच में लेंगे, गाइड करेंगे, पर्सनली आपसे इंटरेक्ट करेंगे, बाकी सब कुछ होगा जैसे टीएससी बैच में चलता था। बट टू समराइज, अब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, टीएससी स्टार्स, टीएससी टॉपर्स। स्टार्स का क्राइटेरिया लेस देन 98.5, टॉपर्स का क्राइटेरिया ग्रेटर देन इक्वल टू 98.5 परसेंटाइल है। फी स्ट्रक्चर अगर हमने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, जो भी नॉन ई2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी परसेंटाइल 98.5 से ऊपर है, या जो ई2 स्टूडेंट है उनका हमारे पास रिजल्ट है, जिनका नहीं आया वो भी नीचे दिए गूगल फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। एंड बी पेशेंट, क्वेरी ज्यादा आती है तो आपके पास कॉल आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम आपको कॉल जरूर करेंगे और आपको इस बैच के अंदर जरूर इंक्लूड करेंगे। तो आई थिंक सर दैट इज बिल्कुल, दैट इज ऑल। हां बता दीजिए सर, बच्चे का क्वेश्चन लाहौल मिला भाई, मतलब स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन में, ध्यान से देखो हम कब से शुरू कर रहे हैं, ऑफलाइन मोड में 24th of March से क्लास शुरू कर रहे हैं 2021। हां उसके अलावा ऑनलाइन की बात करें, 26th of March से शुरू होगा, ठीक है। जो भी आपको मटेरियल वगैरह मिलेगा, जैसा ऑफलाइन डिस्कशन होता है एग्जैक्ट, वो सब आपके पास भी पहुंचने वाला है, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे सेशंस रहेंगे उनके थ्रू, और ये आपके पास डेट्स हैं, सो बी प्रिपेयर्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और आप कोटा आइए, वेलकम है सभी का, हम मिलते हैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी। सर इस एक बात और मेरे को पूछी थी, इस कोर्स के दौरान जो मेंस के पेपर पढ़ेंगे तो सर क्या आप मुझे रिलैक्सेशन देंगे, उसी तरह से प्लान किया है,
पूरा शेड्यूल प्लान किया है सो दैट मेंस के जो एग्जाम पढ़ेंगे बीच में उसमें आपको अगर मान लेते हैं जाना है कहीं मैं ऑफलाइन बैचेस की बात कर रहा हूं तो उतना हम आपको समय देंगे तो पैनिक नहीं होना है समय से भी जो लोग कोटा आ रहे हैं ऑफलाइन तो अपना सेंटर वैसे भी कोटा चेंज कर रहा है बिल्कुल तो बहुत ही अच्छी बात है तो वो आपको गैप ही रहेगा बीच में और पूरा 3 महीने की जर्नी होगी तो उसके लिए बैग एंड बैगेज बांध लें अगर कोटा आना है तो ऑनलाइन मोड में तो आप अपने घर बैठे अपनी सुविधा से अपने कंफर्ट जोन से उसको ले सकते हैं आना जाना नहीं करना टाइम क्लीन नहीं करनी है आपको ठीक है जी ठीक है जी चलिए थैंक यू तो इसका फायदा उठाएं और खूब मेहनत से इसको बनाया गया है थैंक यू।